नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि उम्मीद है आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीत के जो है उन्होंने अपना T20 इतिहास की बात करें तो दूसरा खिताब जीत लिया। और इसी के साथ जो है रोहित शर्मा है MS धोनी के बाद जो है रोहित शर्मा दूसरे कैप्टन बने जिन्होंने जो है आपकी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के लिए जीती है। अगर इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन मतलब रहा, चाहे हम बॉलिंग की बात करें, चाहे बैटिंग की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें। बॉलिंग में जो है हमारे आपके जो जसप्रीत बुमराह की आगवानी में, चाहे हम कुलदीप यादव की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, चाहे जितने भी हमारे बॉलर्स थे उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और बैट्समैनों की बात करें तो कैप्टन हमारे जो रोहित शर्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, और उनकी आगवानी में चाहे हमारे जितने भी प्लेयर्स, चाहे आप विराट की बात करें, विराट जो है पूरे टूर्नामेंट में शांत थे बट जो है फाइनल में उन्होंने दिखाया। शिवम दुबे की बात करें, चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, तो सारे ही प्लेयर्स ने जो है बैटिंग के साथ जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया। और सूर्य कुमार यादव को आप भूल नहीं सकते, सूर्य कुमार यादव का जो कैच था फाइनल में, उसी कैच की वजह से जो है हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। उस कैच के ऊपर जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बात करें, चाहे साउथ अफ्रीकन फॉर्म मतलब फैंस वगैरह की बात करो, कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैंस वगैरह रिएक्ट कर रहे हैं कि वो छक्का था। अब तो जो भी होना था वो हो चुका है और इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। तो अब आपके रोने से या मतलब फालतू फंड का मतलब ड्रामा क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। फैसला आ चुका है, फैसला जो है इंडिया के फेवर में था, तो इंडिया ने जो है मतलब इजीली जो है 7 रन से जो है साउथ अफ्रीका को हरा के T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे आपके जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी से जो है अपनी पूरे दूसरे अपोनेंट को जो हिलने भी नहीं दिया और उन्होंने जो बेहतरीन बॉलिंग कराई। उन्होंने शायद 14-15 विकेट्स लिए उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद बात करें प्लेयर ऑफ द मतलब मैच की बात करें फाइनल की, तो उसमें आपके रहे विराट कोहली। विराट कोहली जो 78 रन की पारी खेली 59 बॉल के आसपास, तो वो बेहतरीन नोक रहा। उसके बाद जो है अगर बात करें हम मतलब फाइनल जीतने के बाद जो है BCCI भी जो है प्लेयर्स के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। BCCI की बात करें तो BCCI ने जो 125 करोड़ रुपए का प्राइज मनी देने का ऐलान कर दिया, और जैसा ने दिखा दिया कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो BCCI जो है प्लेयर्स के ऊपर मेहरबान रहेगी, और BCCI ने 125 करोड़ का ऐलान किया। तो इसी के साथ जो है हमारे प्लेयर्स का मनोबल की बात करें, चाहे प्रोत्साहन की बात करें, तो वो बेहतरीन रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। और इसी जो वर्ल्ड कप की बात करें तो इस वर्ल्ड कप से कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह आ रही है, जो कि एक तो आपका जो है अर्शदीप सिंह के ऊपर जो है इंजमामुल हक ने जो आपका मतलब लगाया था कि बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे, तो ऐसा कुछ है नहीं और रोहित शर्मा ने इसका क्लियर जवाब दे दिया है। उसके बाद बात करें तो कैच के बारे में आपको पता ही है, कैच की कंट्रोवर्सी हुई है। फिर उसके बाद बात करें तो हाल फिलहाल जो है मतलब जो भी मतलब टीम जीती है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो रहती है। इससे पहले भी जो 2019 का जो मतलब 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो जीता था आपकी इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के, तो उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी रही थी कि फेवर में मतलब जो भी मतलब फेवर में जो इंग्लैंड के फेवर में जो है आपके जो है रिजल्ट दिया गया या कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो ये थोड़ा बहुत लगा रहेगा। बट जो है टीम इंडिया ने बेहतरीन खेला और पूरे टूर्नामेंट की वो बेस्ट टीम थी और वो डिजर्व करती थी T20 वर्ल्ड कप को जीतना, और वो अनडिफिटेड जीते। तो पहली बार ऐसा हुआ है T20 विश्व कप के इतिहास में कि कोई टीम जो है अनडिफिटेड जो है T20 चैंपियन बनी है। और अगर वहीं बात की जाए टीम इंडिया की, जो नेक्स्ट टूर है आपका वो आपका जिम्बाब्वे के साथ है। और बड़े प्लेयर जो है रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, रविंद्र जडेजा की, इन तीनों ने जो है मतलब मैच के बाद ही जो है आपके विराट कोहली ने मतलब रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद आपके रोहित शर्मा ने ले लिया और जडेजा ने जो है नेक्स्ट डे ले लिया। तो अब जो हमारे फ्यूचर मतलब T20 क्रिकेट का फ्यूचर जो है हमारे यंग प्लेयर्स के ऊपर रहेगा, और उसका ही जो एक जो है नमूना हमें देखने मिलेगा जिम्बाब्वे के साथ जो है हमारी 5 T20 मैचों की सीरीज जो होगी। तो उसमें जो है स्क्वाड की बात करें तो शुभमन गिल को जो है एज ए कैप्टन मतलब उनको एज ए कैप्टन नियुक्त किया गया है, और उम्मीद है शुभमन गिल जो है वो बेहतरीन खेलेंगे। अगर शुभमन गिल की बात करें तो कैप्टन है, उसके बाद आपके यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में, फिर ऋतुराज गायकवाड़ है, अभिषेक शर्मा को मौका मिला है IPL में बेहतरीन प्रदर्शन करने का, उसके बाद रिंकू सिंह जो है पूरे मतलब T20 वर्ल्ड कप पे बेंच पे ही बैठे रहे थे, एज ए रिजर्व प्लेयर थे वो। संजू सैमसन की बात करें, ध्रुव जुरेल की बात करें, नीतीश रेड्डी की बात करें, रियान पराग की बात करें, वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें, आवेश खान की बात करें,
खलील अहमद की बात करें, तुषार देशपांडे की बात करें, या मुकेश कुमार की बात करें, तो टीम जो है बेहतरीन है। हमारे यंग प्लेयर्स हैं, उम्मीद है जिम्बाब्वे की टीम को हरा देंगे। अगर हम टी20 की बात करें तो फर्स्ट टी20 मैच जो है 6 जुलाई 2024 को खेला जाएगा, सातवां जो है दूसरा जो है आपका 7 जुलाई को खेला जाएगा, तीसरा 10 जुलाई को खेला जाएगा, चौथा जो है 13 जुलाई को खेला जाएगा और पांचवां टी20 जो है आपका 14 जुलाई को खेला जाएगा, जो कि जिम्बाब्वे में होगा। और उम्मीद है ये जो सीरीज़ है इंडिया इजिली जीत जाएगी। और इसी के साथ जो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों वगैरह में फैला सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।